मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच चैप्टर 7 फॉर क्लास 4। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज लाइफ एट ए स्कूल। ये चौथी क्लास के बच्चों के लिए है। अध्याय 7 आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है लाइफ एट ए स्कूल, स्कूल में जीवन। ठीक है, यू नो दैट स्कूल लाइफ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, देन यू जस्ट स्टडी इन द स्कूल, यू गेट इंटरटेन्ड इन द स्कूल एंड यू डू मैनी फनी थिंग्स इन द स्कूल। सो हेयर वी विल स्टडी अबाउट अ चाइल्ड, हाउ ही बिहेव्स इन द स्कूल। द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल, राइटर कहते हैं जिन्होंने लिखा इस स्टोरी को, द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल वॉज अ फैट मैन। कि हमारे स्कूल का, हमारे विद्यालय का जो हेडमास्टर थे वो काफ़ी मोटे थे। ही वॉज ऑल्सो शॉर्ट, और वो नाटे भी थे, मोटा थे नाटा थे। ही वॉज सो फैट एंड सो शॉर्ट डैट ही लुक लाइक अ रोलिंग बॉल। वो इतना मोटा और इतना छोटा थे कि वह एक बॉल के तरह, रोलिंग घूमने वाली गेंद की तरह दिख पड़ते थे। Whenever he moved about, जब कभी वो घूमते, we students made fun of him behind his back, उनके पीछे से हम लोग उनका मजाक उड़ाते थे। But before him, लेकिन उनके सामने, we were all like little rats in front of a cat। राइटर कहते हैं कि जब कभी भी वो चलते तो हम लोग पीछे से उनका मजाक उड़ाते कि देखो बॉल जा रहा है, पीछे से कुछ इशारे कर देते, लेकिन जब कभी भी वो हम लोग उनके सामने होते तो भींगी एक बड़ी बिल्ली के सामने जो छोटे चूहे व्यवहार करते वैसे हम लोग व्यवहार करने लगते थे। ही वॉज ऑलवेज ग्रेव एंड नेवर स्माइल्ड एंड इन द स्कूल। वे काफ़ी गंभीर थे और कभी भी स्कूल में मुस्कुराते नहीं थे। ही वॉन्टेड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एमोंग द स्टूडेंट्स। वो छात्रों के बीच क्या चाहते थे? डिसिप्लिन चाहते थे, स्ट्रिक्टनेस चाहते थे। फॉर दिस, इसके लिए ही यूज्ड हिज केन एज ऑफन एज ही कुड। केन का मतलब स्टिक, एक स्टिक का प्रयोग जितने बार करना पड़ता उतने समय वो करते थे ताकि बच्चे डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रहें। द हेड मास्टर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंड फादर। लेकिन हेड मास्टर जो था मेरे पिताजी के दोस्तों में से एक था, अर्थात वो भी मेरे पिताजी के दोस्त थे। ही केम टू आवर हाउस एट टाइम्स टू मीट ग्रैंड फादर एंड टू रिपोर्ट टू हिम ऑन माई प्रोग्रेस एट स्कूल। वो कभी कभार समय निकाल करके मेरे दादाजी से मिलने आते और मेरे दादाजी को मेरे विद्यालय का जो प्रगति था, जो मेरा परफॉर्मेंस था, उसके बारे में बताते थे। द हेडमास्टर हैड नेवर टेकन एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन मी। मुझ में वो हेडमास्टर कभी भी विशेष रुचि नहीं रखा। बट हिज रिपोर्ट वॉज डैट आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड डैट अ ग्रेट फ्यूचर ले बिफोर मी। और मेरे बारे में वो दादाजी को यही बताते थे कि ये अच्छे विद्यार्थियों में से एक है और इसका भविष्य सुनहरा दिख रहा है, ये भविष्य में कुछ अच्छा करेगा। ग्रैंडफादर वाज हैप्पी टू हियर दिस हिज रिपोर्ट एंड ही लाइक द हेडमास्टर रिपीटिंग इट। दादाजी को ये बात काफ़ी पसंद होता था और वो चाहते थे कि ये बात वो कई बार रिपीट करे, कई बार बताए। द हेडमास्टर वॉज ओनली टू विलिंग टू डू इट। वन डे, एक दिन, हाउ एवर, द हेड मास्टर टोल्ड ग्रैंड फादर डैट ही वॉज अफ्रेड आई वॉज नेग्लेक्टिंग माई स्टडीज एंड डैट ग्रैंड फादर शुड पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू मी। एक बार की बात है कि वो घर पे और दादाजी को बोले कि अब मुझे भय है कि आपका जो पोता है, ये जो बच्चा है, ये अब विशेष ध्यान नहीं देता स्टडीज़ में और मुझे लगता है, मुझे डर है कि ये कहीं नेग्लेक्ट ना कर दे स्टडीज़ को। ग्रैंडफादर डिड पे, और उन्होंने कहा कि आपको अपने बच्चे पे कुछ विशेष ही ध्यान देना चाहिए। ग्रैंडफादर डिड पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू मी। दादाजी कुछ ज़्यादा अटेंशन मुझ पे देने लगे, द मोमेंट ज़्यादा ध्यान देने लगे, द मोमेंट द हेड मास्टर लेफ्ट। जैसे ही हेड मास्टर इतना बात कह करके घर से चला जाता है, ही टू का केन, एक स्टिक लेते, एक छड़ी लेते हैं दादाजी, एंड अपियर्ड सडनली इन माई रूम, और मेरे कमरे में अचानक प्रकट हो जाते हैं। आई वॉज देन पेंटिंग अ पिक्चर। उस समय मैं पिक्चर को पेंट कर रहा था, एक तस्वीर को रंग रहा था। ही जम्प्ड ऑन मी लाइक अ लायन। वो एक शेर के तरह मेरे ऊपर जम्प कर गए एंड कॉट होल्ड ऑफ मी बाई माई रिस्ट,
और मेरी कलाइयों से वो पकड़ लेते हैं मुझे एंड स्टार्टेड बीटिंग मी और मुझे पीटना शुरू कर दिया। आई क्राइड लाउडली एंड कॉल्ड आउट टू ग्रैंड मदर टू कम एंड सेव मी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने दादी को बुलाने लगा ताकि वो आए और मुझे बचा सके। ग्रैंड मदर रस्ट इन एंड फेल बिटवीन मी एंड ग्रैंड फादर। स्टॉप, सी क्राइड। दादी माँ दौड़ती हुई आई, तुरंत आई और मेरे और दादाजी के बीच में खड़ी हो गई और कहती है कि रुको, उसने चिल्ला करके कहा कि रुको, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, यू आर किलिंग द चाइल्ड, बच्चे का जान ले रहे हो तुम। ग्रैंडफादर लेड मी ऑफ बट टर्न टू ग्रैंडमदर एंड शाउटेड। दादाजी अब मुझे तो छोड़ दिए, दादी के तरफ देख करके और चिल्लाते हैं, यू आर स्पॉइलिंग हिम, तुम इसे बर्बाद कर रही हो। ही इज़ नॉट स्टडिंग एनीथिंग, यह कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। ही इज़ ओनली पेंटिंग पिक्चर्स, ये केवल तस्वीर को रंग रहा है। ही देन लॉक्ड अराउंड द रूम एंड सॉ मैनी ऑफ माई पेंटिंग्स एंड ड्राॅइंग्स ऑन द वॉल्स। उसके बाद दादाजी ने लॉक कर दिया, बंद कर दिया दरवाजे को और जितने सारे पिक्चर्स मैंने, पेंटिंग्स मैंने बनाया था वो सब निकाल करके देखने लगे और दिखाने लगे दादी माँ को। ही वॉज फ्यूरियस एंड टोर डाउन एज मैनी पिक्चर्स एज ही कूड। वो काफ़ी गुस्साए हुए थे, फ्यूरियस थे और जितना तस्वीर को वो फाड़ सकते थे उन्होंने फाड़ दिया। ही देन वॉन्ट मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम पेंटिंग पिक्चर्स एंड लेफ्ट द रूम। उन्होंने उसके बाद मुझे चेतावनी दी कि अब के बाद तुम पिक्चर्स नहीं बनाओगे, तस्वीरें नहीं बनाओगे और तुम अपना ध्यान किस पे दोगे, पढ़ाई पे दोगे। इतना कहते हुए वो कमरा छोड़कर चले गए। आई वॉज सॉरी डैट ऑल माई गुड पेंटिंग्स वर डिस्ट्रॉयड। मैं काफ़ी दुखी था क्योंकि सारे मेरे अच्छे पेंटिंग्स बर्बाद कर दिए गए थे दादाजी के द्वारा। एंड आई वॉज अफ्रेड टू पेंट एनी मोर पिक्चर्स एट होम। और मैं भयभीत भी था, मैं डरा हुआ भी था कि अगर मैं कोई दूसरा पिक्चर को पेंट करूँगा फिर दादाजी शायद मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे उन्होंने किया है। वन डे, एक दिन द हेडमास्टर केम टू आवर क्लास टू टीच मैथमेटिक्स। एक दिन की बात है कि हेडमास्टर हम लोगों के क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आए। आवर टीचर वॉज ऑन लीव, क्योंकि हमारे एक शिक्षक कहाँ थे, लीव पे, छुट्टी पे गया हुए थे। एंड द हेडमास्टर डिड नॉट वॉन्ट अस टू मिस एनी लेसन। और हमारे जो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारा कोई भी क्लास खाली जाए और कोई भी दिन बेकार जाए। वी डिड नॉट लाइक द हेडमास्टर टॉकिंग टेकिंग एनी क्लास। हम लोग हेडमास्टर के कोई क्लास लेना हम लोगों को पसंद नहीं था, बट वी वर हेल्पलेस, लेकिन हम लोग असहाय थे, कर क्या सकते थे, वो हेडमास्टर थे। वी ऑल स्टूड अप इन साइलेंस एज ही एंटर्ड। जैसे ही हेडमास्टर ने प्रवेश किया हम सबके सब शांत खड़े हो गए। ही लुक्ड अराउंड द क्लास टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। उन्होंने क्लास में चारों तरफ देखा कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। He then waved his left hand, ordering us to sit down. तब उन्होंने बायां हाथ इस तरह से हिलाया आज्ञा देते हुए कि अब हम सब लोगों को बैठ जाना चाहिए। We obeyed, हम लोगों ने उनकी आज्ञा को माना, बैठ गए। He went to the blackboard and wrote down 5 sums. उन्होंने blackboard के नज़दीक गया और 5 sums लिख दिए, उन्होंने जोड़ लिखा, which he copied from a piece of paper he had with him, जो उनके साथ एक कागज़ का टुकड़ा था उसी पे वो लिख करके लाए थे, उसको बोर्ड पे उन्होंने लिख दिया। He then turned to us and said, तब हम लोग की तरफ देखा और कहा, there are 5 sums here and I want all of you to do all the sums before the period is over. उन्होंने कहा कि 5 sums मैंने लिख दिया, 5 जोड़ मैंने लिख दिया है और पीरियड समाप्त होने से पहले आप सबों को इसे कंप्लीट कर लेना है। अगेन ही लुकड अराउंड टू मेक श्योर डैट एवरी वन ऑफ अस अंडरस्टूड वट ही सेड। उसके बाद हम लोगों की तरफ वो देखे और इस नज़रिया से कि उन्होंने जो कहा वो सारे बच्चे इस बात को समझ पाए या नहीं। ही देन सिट डाउन, उसके बाद वो बैठ जाते ऑन द चेयर। ही टूक ऑफ हिज टर्बन, अपना पगड़ी उतारते हैं एंड पुट इट ऑन द टेबल, टेबल पर रख देते हैं। ही लुकड टायर्ड, वे घबराया हुआ नजर आ रहा है। ही रेज्ड हिज लेग्स, और अपने पैर को वो टायर्ड, वो थके हुए महसूस कर रहे थे। एंड ही रेज्ड हिज लेग्स, अपने पैर को आगे किया एंड प्लेस्ड देम ऑन द टेबल, कुर्सी पे बैठ के टेबल पे अपने पैर को रख लिया उन्होंने। ही रेज्ड हिज लेग्स एंड प्लेस्ड देम ऑन द टेबल। ही वॉज टेकिंग अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा आराम कर रहे थे वे। इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण में ही वॉज फास्ट असलीप,
वे गहरी नींद में सो गए। द सम्स वर सिंपल एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स डिड देम इन अ फ्यू मिनट्स। और काफ़ी साधारण से सवाल थे, सम्स थे, सारे बच्चे कुछ ही मिनटों में कर लिए उसको। आफ्टर फिनिशिंग द सम्स, जोड़ को कंप्लीट करने के बाद, आई लुक्ड एट द हेड मास्टर, मैंने हेड मास्टर को देखा, ही लुक्ड सो फनी, वो सोए हुए अवस्था में काफ़ी फनी नज़र आ रहे थे। डर आई थॉट आई वुड ड्रा अ पिक्चर ऑफ हिम, मैंने सोचा कि मुझे एक इनका तस्वीर बनाना चाहिए। आई ट्राइड एंड द पिक्चर टर्नड आउट टू बी गुड, टू बी गुड। मैंने उनका तस्वीर बनाया और वाकई बहुत अच्छा तस्वीर बन गया। हिज राउंड फेस, उनका गोल चेहरा, हिज बाल्ड हेड, उनका टकला सिर, हिज ह्यूज बेली, उनकी बड़ी सी पेट, हिज ऑलमोस्ट नैक्ड लेग्स, उनके लगभग नंगे पैर, एंड द फनी पोजीशन इन विच ही वॉज स्लीपिंग वर ऑल इन द पिक्चर, तस्वीर में सारी उनके जो कुछ भी वो दिख रहे थे, जैसा दिख रहे थे, उनके पैर चाहे उनके सिर चाहे उनके नाक चाहे उनकी आँख चाहे उनकी बड़ी पेट, सब कुछ तस्वीर में अच्छी तरह से छप गए। हिज लाइकनेस वॉज सो गुड डैट एनी बडी कुड टेल डैट इट वॉज आवर हेड मास्टर, इतना मिलता जुलता तस्वीर बन गया कि कोई भी देख करके कहेगा कि ये हमारा हेड मास्टर है। आई वॉज एक्साइटेड एंड वेटेड फॉर द क्लास टू बी ओवर टू सो इट टू माई फ्रेंड्स, मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ इतना अच्छा तस्वीर बना करके, मैं इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही ये समाप्त होगा पीरियड, हम अपने दोस्तों को ये सारे तस्वीर दिखाऊंगा, ये तस्वीर दिखाऊंगा। द बेल रैंग, घंटी बजी, द हेड मास्टर वोक अप, हेड मास्टर जग गए, ही गॉट अप, चेक्ड आवर सम्स एंड वेंट आउट, वे जगे और हम उठे और हम लोग का सम्स को चेक किया और क्लास छोड़कर चले गए। आई हेल्ड आउट द पिक्चर टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के बीच में तस्वीर को दिखाया, दे रोड विद लाफ्टर, वे जोर जोर से हंसने लगे। देर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन द क्लास वेन द टीचर फॉर द नेक्स्ट लेसन अराइव, काफ़ी एक्साइटमेंट की बात थी जब अगले शिक्षक क्लास में आए। ही ट्राई टू ब्रिंग अबाउट ऑर्डर बट फेल्ड, वो चाहे कि भाई बच्चों को शांत करके रखूं लेकिन वो असफल रहे। ही देन केम टू मी एंड स्नैच द ड्राइंग फ्रॉम माई हैंड, मेरे हाथ से उस तस्वीर को उन्होंने ले लिया। ही लुक्ड एट इट, उन्होंने उस तस्वीर को देखा, स्मॉक्ड, डांटे हमें, देन बिकेम ग्रेव एंड वेंट आउट, उसके बाद चले गए। ही रिटर्न्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑर्डर मी टू गो एंड सी द हेड मास्टर, कुछ मिनट के बाद वो वापस क्लास में आते हैं और मुझे आज्ञा देते हैं कि जाओ ऑफिस में हेड मास्टर से मिल करके आओ। आई वेंट टू द हेड मास्टर्स रूम, जब मैं हेड मास्टर्स के कमरे में गया, आई सॉ माई ड्राॅइंग ऑन द टेबल, मैंने देखा कि मेरा तस्वीर टेबल पर रखा हुआ है। द हेड मास्टर वॉज एंग्री एंड आस्क्ड मी, हेड मास्टर गुस्साए हुए थे और मुझसे पूछा, डिड यू ड्रॉ दिस पिक्चर, तुमने इस तस्वीर को बनाया है? आई सेड यस, मैंने कहा हाँ, यू डिड दिस। ही रोड एंड कॉट मी बाय द हैंड, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के फिर जोर से बोला, तुमने बनाया इस पिक्चर को, इस तस्वीर को, एंड कैंड मी ट्वाइस, दो बार उन्होंने दो छड़ी उन्होंने दिया। यू डिड दिस, तुमने यह किया है? ही सेड अगेन सेड, उन्होंने फिर कहा, यू आर नॉट टू इंटर द क्लास फॉर 2 weeks, नाउ गेट आउट, उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह तक तुम्हारी सजा है कि क्लास में प्रवेश नहीं करोगे और अभी तुम यहां से चले जाओ। आई केम आउट, मैं वापस चला आया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं मैं क्या करता। आई कुड नॉट गो होम इमिडिएटली एंड फेस ग्रैंडफादर, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि तुरंत मैं घर जाऊं और पिता दादाजी से रूबरू हूं, उनका सामना मैं कर पाऊं, ऐसी हिम्मत मुझ में नहीं थी। सो आई वेटेड आउटसाइड द क्लास टिल द नून इंटरवल, मैंने लंच तक अर्थात नून इंटरवल तक मैंने इंतज़ार किया क्लास के बाहर ही। द न्यूज़ डैट आई वॉज पनिश्ड फॉर ड्राॅइंग अ पिक्चर ऑफ द हेड मास्टर स्प्रेड थ्रू आउट द स्कूल, पूरे स्कूल में ये तस्वीर, हेड मास्टर के तस्वीर बनाने की जो खबर थी वो पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में फैल गया। इन द इंटरवल मैनी ऑफ द बॉयज रश्ड टू मी, इंटरवल के समय बहुत सारे लड़के मेरे पास आए, सम एक्सप्रेस्ड सिंपैथी, कुछ ने मेरे सामने सहानुभूति व्यक्त की, सम वांटेड एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द हेड मास्टर, कुछ ने मशवरा दिया कि हेड मास्टर के खिलाफ कुछ तुम्हें करना चाहिए, समवन सजेस्टेड एक्सप्लोडिंग अ क्रैकर अंडर हिज चेयर, कुछ ने बताया कि हेड मास्टर के कुर्सी के नीचे पटाखे छोड़ दो, एन अदर वो वॉन्टेड टू पुट
एन इंक बोटल ओवर हिज डोर। कुछ बच्चों ने कहा कि उनके दरवाजे के ठीक सामने इंक का बोतल जो है खोल करके डाल दो, गंदा कर दो उनके कमरे को। सम इवन टॉक्ड ऑफ अ स्ट्राइक, कुछ ने कहा कि आंदोलन करना चाहिए। बट आई हैड टू गो होम फॉर माई लंच, लेकिन मुझे तो मेरे घर जाना था लंच करने के लिए। ग्रैंड मदर वॉज सर्विंग मी फूड वेन द हेड मास्टर केम होम एंड मेट ग्रैंड फादर, जब दादी माँ मुझे भोजन परोस रही थी तभी हेड मास्टर आए और दादाजी से मिलने के लिए। आई हिड बिहाइंड द डोर टू हियर व्हाट दे वर टॉकिंग, मैं दरवाजे के पीछे छिप गया ये सुनने के लिए कि वे लोग क्या बातें कर रहे हैं। द हेड मास्टर टोल्ड ग्रैंड फादर डैड आई वॉज नॉट डूइंग वेल इन द क्लास एंड डैड आई हैड वेस्टेड वन होल पीरियड इन ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ द हेड मास्टर। उसने दादाजी से कहा कि मैं क्लास में कुछ नहीं किया, पूरे क्लास आइडल रहा, बैठे रहा, सिर्फ तस्वीर बनाते रहा, कुछ पढ़ाई नहीं किया। देन ही गेव ग्रैंड फादर द ड्राइंग आई हैड डन, उसके बाद उन्होंने दादाजी को वो तस्वीर दी जो मैंने बनाया था। ग्रैंड फादर लुकड एट द ड्राइंग एंड ब्रस्ट इन टू लाफ्टर, दादाजी जब उस तस्वीर को देखे हंसना प्रारंभ कर दिए, हंसी नहीं रोक पाए। डिड राजा डू इट ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि क्या राजा ने ये तस्वीर बनाया। यस द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर ने कहा कि हाँ। ग्रैंड फादर लाफ्ड अगेन, दादाजी फिर हंसे। एंड कॉल ग्रैंड मदर एंड अंकल टू सी द पिक्चर, दादी माँ और चाचा जी को बुला करके इस तस्वीर को दिखाए। डू यू थिंक दैट राजा डिड एनी रॉन्ग इन ड्राइंग हिज पिक्चर दिस पिक्चर, उन्होंने पूछा दादी माँ और चाचा जी से कि क्या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, इस तस्वीर को बनाने में कुछ गलती किया है राजा। आस्क ग्रैंड फादर, दादाजी ने पूछा। ऑफ कोर्स ही डिड, रिप्लाइड द हेड मास्टर, हेड मास्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल गलत किया है। एंड ही डिड इट ड्यूरिंग द पीरियड आई वॉज टेकिंग अ लेसन, ये तब किया जब मैं ये तस्वीर बनाया, ये गलती किया क्योंकि उस समय ये तस्वीर बनाया जिस समय मैं क्लास ले रहा था। बट आई लाइक द पिक्चर वेरी मच सेड ग्रैंड फादर, लेकिन दादाजी कहते हैं कि मुझे तो ये तस्वीर काफ़ी पसंद है। आई नेवर थॉट द बॉय वॉज सो क्लेवर, मुझे नहीं लगता था कि बच्चा ये लड़का इतना तेज तरार है। द हेड मास्टर वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन लाफ्ड एंड सेड, हेडमास्टर ने कुछ क्षण तक इंतजार किया और हंसा और फिर कहा ओ ऑफ कोर्स ही इज क्लेवर, हेडमास्टर ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये लड़का तेज है। डैट इज़ वाई आई ब्रॉट द पिक्चर टू यू, यही तो वजह है कि मैंने तस्वीर ला करके आपको दिखाया कि आपका बच्चा बहुत अच्छा तस्वीर बनाता है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द हेडमास्टर हैड चेंज्ड हिज टोन, लेकिन मुझे पता नहीं, राइटर कहते हैं जिन्होंने बनाया था तस्वीर उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि क्यों अचानक मेरी प्रशंसा हेडमास्टर ने भी करना शुरू कर दिया। सो दिस वे वी कंप्लीटेड दिस स्टोरी एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ 8। थैंक यू।